चार सीट है क्या? चार सीट का समय सीमा क्या है? चार सीट कहाँ पेश किया जाता है? ये सारे सवालों के जवाब आपको आगे वीडियो में बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं चार सीट है क्या। चार सीट यदि कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन पर FIR करता है, उसके पश्चात पुलिस द्वारा या पुलिस ऑफिसर के द्वारा जांच शुरू की जाती है। जांच शुरू करने के बाद यदि साक्ष्य के अभिलेख सही पाए जाते हैं तो पुलिस को लगता है कि यह मुकदमा चलने योग्य है, तो पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष उस अभियुक्त के लिए चालान बनाया जाता है और चालान पेश किया जाता है। चालान भर के न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। चालान पेश करने का जो सिद्धांत है SERPC की धारा 173 के अंतर्गत पुलिस के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। गंभीर मामलों पर 90 डेज का समय सीमा होता है। यदि गंभीर मामले हैं तो 90 दिन का समय सीमा तय किया जाता है। 90 दिन के अंदर चालान प्रस्तुत किया जाता है न्यायालय के समक्ष। तो इस प्रकार के यदि मामले हैं, पुलिस को लगता है कि ये सही जांच में सही अभिलेख मिलते हैं, सही साक्ष्य मिलते हैं, तो तभी न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किए जाते हैं अथवा नहीं किए जाते। तो वह सही है तो उस मुकदमे की पंजीकृत किया जाता है, वरना उसको निरस्त किया जाता है। चलिए विदा लेते हैं। यदि वीडियो पे आप नए आए थे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपको नई नई वीडियो अपडेट करता रहूं और नए नए आपके लिए यूजफुल वीडियो लाता रहूं।